और उस यज्ञ की ये फलश्रुति हुई, आप ध्यान से सुनना कि यज्ञ जैसे ही वशिष्ठ जी ने प्रारंभ किया और आज हम देख रहे हैं अतिरुद्र महायज्ञ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये रघुवंशियों की परंपरा ही रही यज्ञ करने की। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहले इक्ष्वाकु वंश था रघुवंश, पहले क्या था, इक्ष्वाकु वंश था। लेकिन रघु महाराज, रघु ने जब यज्ञ किया तो यज्ञ का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि वो इक्ष्वाकु वंश ना होके रघुवंश हो गया। आप कहोगे महाराज वो कौन सा यज्ञ किया था, रघुवंश में महाराज रघु ने, जो रघु ने यज्ञ किया था वो विश्वजीत यज्ञ किया था। उसका नाम क्या था, विश्वजीत यज्ञ। और विश्वजीत यज्ञ इतना प्रभावशाली यज्ञ हुआ कि महाराज दिलीप ने भी यज्ञ किया, महाराज हरिश्चंद्र ने भी यज्ञ किया, महाराज इक्ष्वाकु ने यज्ञ किए, बहुत बड़े बड़े यज्ञ हुए हैं। लेकिन जैसे ही महाराज रघु का जन्म हुआ और रघु ने जो विश्वजीत यज्ञ किया, उस विश्वजीत यज्ञ में सारे विश्व को जीत लिया और जितने भी यज्ञ पहले हुए थे वो सब छोटे पड़ गए। और महाराज रघु का विश्वजीत यज्ञ श्रेष्ठ यज्ञ माना गया। और याद रखना, फिर इक्ष्वाकु वंश ना होके रघुवंश चल गया। उस यज्ञ में महाराज रघु ने सब कुछ दान कर दिया था, सब कुछ लुटा दिया था, एक मिट्टी का पात्र केवल महाराज रघु के पास बचा था उस विश्वजीत यज्ञ में। और आज भी वंश यदि माना जाता है तो दिलीप के नाम से नहीं माना जाता है, हरिश्चंद्र के नाम से नहीं जाना जाता है, महाराज अज के नाम से नहीं जाना जाता है, महाराज दशरथ के नाम से भी नहीं जाना जाता है। अगर जाना जाता है तो महाराज रघु के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस वंश का नाम ही हो गया रघुवंश। ऐसे ऐसे दानवीर हुए हैं प्यारे, महाराज रघु जैसे जिनकी परंपरा, वंश की परंपरा चल गई। दानवीरों का वंश है ये रघुवंश। इसलिए आज मैं इस बात को डंके की चोट पर कह देना चाहता हूं, कान खोल करके सभी सभा में बैठे हुए हैं, जैसे विश्वजीत यज्ञ महाराज रघु ने किया था तो रघुवंश रघु के नाम से चल गया, ऐसा ही आज 1111 कुंडात्मक यज्ञ, 1111 कुंडात्मक अतिरुद्र महायज्ञ आज हमारे महामंडलेश्वर स्वामी कनक बिहारी दास जी महाराज ने कराया। इसलिए ये भी विश्वजीत यज्ञ से कम यज्ञ नहीं है, इसलिए उनका नाम हो गया रघुवंश भूषण स्वामी कनक बिहारी दास जी महाराज, रघुवंश भूषण हो गए ये। आज से रघुवंश भूषण हो गए हैं प्यारे, ये अति विशाल यज्ञ करके ये फलश्रुति। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, महाराज हरिश्चंद्र का सत्य और महाराज दिलीप की गौ भक्ति और महाराज श्री रघु का विश्वजीत यज्ञ, सावधान, गौ भक्ति सत्य ये सब महाराज रघु के साथ जुड़ गया, क्योंकि इनकी तपस्या के परिणाम स्वरूप रघु का जन्म हुआ। लेकिन रघु ने जब विश्वजीत यज्ञ किया तो उस विश्वजीत यज्ञ की परिणति ये हुई कि उस वंश में निर्गुण निराकार ब्रह्म आज सगुण साकार बन करके जन्म लेने जा रहा है। आगे चल करके इसी यज्ञ की भूमि पर, ये रघुवंश की भूमि है, इस भूमि पर ही मेरा विश्वास है कि जैसे विश्वजीत यज्ञ के माध्यम से महाराज रघु का रघुवंश चला था, उसमें श्री राम का अवतार हुआ था, इसी यज्ञ के प्रभाव से रघुवंश में इसी भूमि पर आगे भगवान का अवतार होगा, निश्चित रूप से भगवान का अवतार होगा, ऐसा मेरा विश्वास बोल रहा है प्यारे। और संत का विश्वास सत्य के साथ जुड़ा होता है, उसमें कहीं कोई असत्य का समावेश नहीं होता है, संत के विश्वास में सत्य का वास होता है। इसलिए मेरा हृदय कह रहा है प्यारे, ये सौभाग्य तुम्हें मिला है, इसलिए तन से मन से धन से एरी चोटी का पसीना एक कर दो और इस यज्ञ को सफल बना दो। ये विश्वजीत यज्ञ अतिरुद्र महायज्ञ इतिहास बनने जा रहा है प्यारे, और ये भूमि ऐतिहासिक भूमि बनने जा रही है। ये स्वामी कनक बिहारी दास जी महाराज की तपस्या काम कर गई है।
इसलिए आज मैं बार बार कहूंगा आइए, अब भगवान आने वाले हैं, चूंकि यज्ञ हो रहा है। अब यज्ञ कैसे, दशरथ जी से कहा आप जाइए, अब ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं यज्ञ करूंगा। और यज्ञ हुआ। यज्ञ कैसे हुआ, भगत सहित मुनि श्रृंगीर सही। अब राम जी का जन्म होने वाला है, 15 मिनट बाद राम जी का जन्म होगा। कितने मिनट बाद, 15-20 मिनट बाद। इसके बाद जन्म के बाद राम जी की आरती 6 बजे तक पूरा कार्यक्रम चलेगा। श्रृंगीर सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुविजग करावा, भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्न चरू कर लीने। जैसे यज्ञ प्रारंभ हुआ और अग्नि देव हवि लेकर के प्रकट हो गए। अब समझ लो, देखो यज्ञ की फलश्रुति सामने आ गई कि नहीं आ गई, बोलो जल्दी। यज्ञ की फलश्रुति सामने आई, क्योंकि अग्निदेव प्रसाद लेके प्रकट हो गए। अब जैसे ही अग्निदेव प्रसाद लेके प्रकट हुए, तो उस प्रसाद में थी खीर। क्यों भाई, प्रसाद में क्या थी, खीर थी। क्यों, लड्डू भी आ सकते थे, मालपुआ भी आ सकते थे। क्यों भाई, प्रसाद में तो ये जरूरी है कि खीर ही आवे। अरे लड्डू आ जावे, मालपुआ आ जावे, कलाकंद आ जावे, मोती कंद आ जावे, क्यों भाई, है नहीं। परंतु खीर आई। खीर क्यों आई, खीर का निर्माण, खीर की विधि को हम बता रहे हैं, बस इसको सुन लो। परमात्मा कैसे प्राप्त होता, इस खीर से परमात्मा का क्या संबंध है, समझ लो बस। और किसी भी तत्व में खीर के अलावा वो तत्व नहीं पाए जाते हैं जिसमें परमात्मा प्रकट हो जाए, लेकिन खीर में ही वो तत्व है जिससे परमात्मा प्रकट होता है। अब बड़ा ध्यान से सुनना, हाँ, अगर तुम इधर उधर कान किए तो गड़बड़ हो जाएगा, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए सावधानी से सुनना। बहुत बढ़िया बात मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी सुंदर बात बता रहा हूं, अब सुनो। खीर लेकर के प्रकट हो गए। अब जैसे ही खीर लेकर के प्रकट हुए अग्निदेव, कह जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासिद्ध तुम्हारा। हे दशरथ, ये तुम्हारे पुरुषार्थ से नहीं बल्कि गुरुदेव की कृपा से तुम्हें ये सुंदर सौवसर मिलने जा रहा है। किससे मिलने जा रहा है सुंदर सौवसर, कि आज निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार बनकर के पुत्र के रूप में प्राप्त होने जा रहा है। ये संत की कृपा, ये सदगुरु की कृपा। इसलिए जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासिद्ध तुम्हारा, यह हरि बात देहु नृप जाई, और जथा जोग जही भाग बनाई। ये प्रसाद बांट दो। तो दशरथ जी ने कहा ये तो है खीर, ये तो खीर है। अग्निदेव ने कहा अब खीर तुम्हें दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें 3 तत्व समाहित हैं। अब आप जानते हो खीर में चावल की प्रधानता होती है। क्यों होती है ना, खीर में किसकी प्रधानता होती है, चावल की। और चावल का सहयोग करता है दूध, बोलो करता है दूध कि नहीं। ये चावल क्या है, चावल धान से पैदा होता है और धान मेहनत से पैदा होती है, बोलो। तो चावल के साथ कर्म जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा है, जुड़ गया ना कर्म। तो चावल किसका प्रतीक है, कर्म का प्रतीक है चावल। अब व्याख्या बहुत अच्छी है, क्योंकि भगवान आने वाले हैं, कैसे भगवान आते हैं उसकी पुष्टि मैं कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल, कान लगाए रहना और निगाहें मेरी तरफ रखना, मुझे देखते ही रहना और कान को लगाए रहना, कान में रुई मत लगा लेना, हाँ कान को खुला रखना बिल्कुल, है ना, जिससे एक एक बात जिंदगी भर याद रहे हमारी, क्योंकि मैं बड़ी सरल भाषा में समझाता हूँ कि नहीं, और इससे ज्यादा सरल मैं कर नहीं सकता हूँ। एक सज्जन बोले महाराज आप इससे ज्यादा सरल कर देंगे तो क्या होगा, हमने कहा तुम सुन के जाओगे घर, हम जाएंगे अस्पताल सीधे, इससे ज्यादा सरल हमारे दिमाग पर अटैक नहीं हो जाएगा, क्यों भाई, कितना सरल से सरल करें, आखिर सरल करने की भी तो एक क्षमता होती है,
है ना, सरल करने की भी एक क्षमता होती है। तो आइए मैं सरल से सरल करके आपको समझा रहा हूं। चावल की प्रधानता होती है खीर में, चावल धान से बनता है और धान खेत में बोया जाता है, लेकिन बोने के साथ साथ परिश्रम का समावेश होता है कि नहीं होता है, इसका मतलब है कर्म से चावल पैदा हुआ। अच्छा भाई, चावल का सहयोग अगर दूध ना करे तो खीर नहीं बन सकती। बन सकती क्या? नहीं बन सकती। तो दूध उसमें डलेगा तभी खीर बनेगी। तो चावल है कर्म और दूध क्या है? दूध है विवेक। दूध कैसे विवेक है? आप कहोगे महाराज दूध कैसे विवेक? अच्छा, दूध पीने वाले बुद्धिमान होते हैं कि नहीं होते हैं? जल्दी बोलो, दूध पीने वाले बुद्धिमान होते हैं? आपने भी कहा बुद्धिमान, लेकिन गाय का दूध पीने वाले बुद्धिमान होते, भैंस का नहीं। इस बात को सुन लो, क्योंकि राम जी आने वाले हैं, श्री राम जी का जन्म होने वाला है, इसलिए मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूं, भैंस के दूध से नहीं। आप कहोगे महाराज जी आपने तो ये वैसे ही कह दी। वैसे नहीं कहता हूं, आप परीक्षण कर लेना, किसान हो, हर गांव में गाय और भैंस दोनों देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोलो, हर गांव में, अगर हर घर में नहीं तो हर गांव में मिलेगी कि नहीं मिलेगी? गाय भी मिलेगी और भैंस भी मिलेगी। आपने देखा होगा जब गौ माता अपने बछड़े को जन्म देती हैं, तो बछड़ा जैसे ही धरती पर आता है, और बछड़ा धरती पर आया, गाय माता ने तुरंत जीभ लगाई और गाय के बछड़े का मुंह जैसे ही दूध से लगा और दूध का स्पर्श मुंह में हुआ तो उछलने लगता कि नहीं उछलने लगता बछड़ा? बोलो, एकदम छलांग लगाने लगता कि नहीं? बोलो, किसमें ताकत है ये? जल्दी बोलो, दूध में ताकत है कि नहीं? अच्छा, वो भैंस का पड़ा, उसको क्या कहते हैं? पड़ा कहते होंगे, क्यों, पड़वा की पड़ा, चलो कुछ भी कह लो, पड़वा कह लो, पड़ा कह लो, कुछ भी कह लो। हाँ भाई, ये मालवांचल है, हमारी तुम्हारी भाषा लगभग मिलती जुलती है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों भाई, मिलती जुलती है कि नहीं? तारतम्य बैठा है कि नहीं? सही। पड़ा, जैसे ही पैदा हुआ, अब वो पड़ा। क्यों, पड़ा कि नहीं पड़ा? अब उसे उठाओ लेकिन फिर भी पड़ा, पड़ा का पड़ा वही है पड़ा। दूध भी पिला दो फिर भी पड़ा, दूध भी पिला दो फिर भी पड़ा। इसका मतलब है ना पड़े में ताकत है ना भैंस के दूध में ताकत है। अगर भैंस के दूध में ताकत होती तो पड़ा कम से कम छलांग लगाता, लेकिन वो हफ्तों पड़ा ही रहता। लेकिन गाय का दूध, गौ माँ का दूध जैसे ही जरा सा बच्चे के मुंह में, बछड़े के मुंह में पहुंचता है, बोलो बछड़ा छलांग लगाने लगता है कि नहीं? उछल कूद, ये स्फूर्ति, ये शक्ति गौ माता के दूध में है। इसलिए बच्चों को अगर मेधावी बनाना है तो सबसे पहले मेरा आदेश है कि गौ माता का पालन पोषण करो, और बच्चे को अगर मेधावी बनाना है तो आप गाय का दूध पिलाइए अपने बच्चों को। जब तुम्हारे बच्चे गाय का दूध पिएंगे तो निश्चित है कि कभी भी फेल नहीं हो सकते। और भैंस का दूध अगर पिएंगे बच्चे तो याद रखना, पांच पांच साल तक एक ही कक्षा में पड़े रहेंगे, ना कक्षा उन्हें छोड़ेगी ना वो कक्षा को छोड़ेंगे, वो पड़े ही रहेंगे, पड़े ही रहेंगे। इसलिए किसका दूध पिलाना है? गाय का दूध पिलाना है। संकल्प लो कि हम गाय का पालन पोषण करेंगे और अपनी संतान को हम गाय माता का दूध पिला करके मेधावी बनाएंगे, बुद्धिमान बनाएंगे, क्योंकि गाय के क्षीर में, दूध में विवेक का वास है। ये मैंने सिद्ध कर दिया। अब थोड़ा सा आगे सुनिए, क्षीर और नीर, ईमानदारी से बताओ, हंस अगर सामने आ जाए तो क्षीर और नीर का भेद बता देता कि नहीं बता देता? बोलो हंस, कि इस दूध में इतना पानी है, इतना दूध है। इसका मतलब है कि क्षीर और नीर का भेद बताने वाला हंस होता है। सीधी सी बात, दूध में विवेक होता है, इसलिए विवेक के माध्यम से ही हंस क्षीर और नीर का भेद बताता है। तो आओ, जब तक चावल में दूध का सहयोग नहीं जुड़ जाएगा तब तक चावल खीर के रूप में नहीं बदल सकता। अच्छा, अब दूध भी डाल दो, चावल सिद्ध हो जावे, बढ़िया सिद्ध पक जावे, सिद्ध हो जावे, लेकिन स्वाद नहीं आएगा जब तक शक्कर नहीं डाल दोगे। क्यों भाई?
चाहे जितना शुद्ध दूध डल जाए चावल में, खीर बन जाएगी, लेकिन जब तक शक्कर नहीं डलेगी तब तक स्वाद नहीं मिलेगा। तो याद रखना, ये जो अग्निदेव खीर लेकर के प्रकट हुए हैं, इसमें तीन तत्वों का समावेश है जिससे परमात्मा प्रकट हो रहा है। क्या कह, एक तो कर्म रूपी चावल और एक विवेक रूपी दूध, और याद रखना भक्ति रूपी शर्करा, भक्ति रूपी शक्कर इसमें पड़ी हुई है। इसलिए याद रखना, कर्म रूपी चावल और विवेक रूपी दूध, उसमें भक्ति रूपी शक्कर को डालने से, शर्करा को डालने से ये हविष्यान बन गया, ये प्रसाद बन गया। अब भक्ति के समावेश हो जाने से इस प्रसाद को दशरथ जो भी महारानी पाएगी वो निश्चित रूप से पुत्र के रूप में भगवान को प्राप्त करेगी, ये मेरा आशीर्वाद है। तो बोलो व्याख्या हो गई कि नहीं हो गई सही, कि जो भी रानी और इस रानियों को देना ये प्रसाद, ये प्रसाद रानियों को देना, इसमें भक्ति का समावेश हो गया है। और भक्ति का समावेश युक्त पदार्थ अगर उदर में जाएगा तो बोलो परमात्मा का वास होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। वो ये यज्ञ का प्रसाद है, इसलिए यह हबीबात देहो मृप जाई और जथा जोग जही भाग बनाई। इसको वितरित कर दो, जाओ जल्दी। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना। अब थोड़ा हवाई सर्वे कर रहे हैं प्रसंग का, क्यों? क्योंकि समय 6:15 बजने वाले हैं, 6:15 बज ही गए हैं, लेकिन अभी देखो, अभी राम जी का जन्म होता, सीधी आरती हो जाएगी, चिंता क्यों करते हो। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे पुनिकीना। अच्छा, ये अभी बांट देवेंद्र पजाई जथा जोग जाए भाग बनाई, तो जथा जोग में तीन भाग होना चाहिए था कि नहीं? बोलो, जथा जोग में तीन महारानियों को देना है तो भाग कितने होने चाहिए थे प्रसाद के? तीन होना चाहिए था, और तीन भाग में तीनों को दे देना चाहिए था समान रूप से, लेकिन अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, डायरेक्ट सीधा आधे दे दिया कौशल्या। अब बोलो बैलेंस शीट बिगड़ रही, बोलो भाई बैलेंस बिगड़ रहा कि नहीं बिगड़ रहा? बैलेंस बिगड़ रहा। अब बैलेंस कैसे बने देखो, इसलिए कहता हूं माताओं, जब भी बैलेंस नारियों का बिगड़ता है तब बंटवारे में, और जब भी बैलेंस बिगड़ता है तो खान पान में। अच्छा, इनको रसगुल्ला और हमको रूखी रोटी, ये रसगुल्ला छाने हम रूखी रोटी खावे, नहीं ऐसा नहीं होगा। हमारा अधिकार अलग करो, हमारा हिस्सा अलग करो, लेकिन देखो माताओं, खाने पीने पर संतुलन मत बिगाड़ना। ये रघुवंश की महारानी कौशल्या, रघुवंश की महारानी केकई और रघुवंश की महारानी सुमित्रा, ये तीनों कैसे संतुलन बना रही हैं? उसी संतुलन सामंजस्य के प्रभाव से भगवान आज पुत्र बन के आ रहा है, और भगवान आने ही वाला है पुत्र बन करके, चिंता मत करो। बोले अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे पुनिकीना, के कहां सो नृप देव रहो सु उभय भाग पुनि भयउ। अब आधे में से आधा दे दिया केकई को, लेकिन सुमित्रा कुछ नहीं बोली, गंभीर मुद्रा में खड़ी रही। प्यारे, अब गंभीर मुद्रा में खड़ी रही, धीरज का फल बड़ा मीठा होता है। सबको तो एक एक हिस्सा मिला, लेकिन दो डबल हिस्से मिले किसको? सुमित्रा को। कैसे? बोले कौशल्या और केकई दोनों ने प्रभावित होकर के सुमित्रा को संतुष्ट किया, और अपने में से भाग कौशल्या ने निकाला, केकई ने अपने में से निकाला, और जो सुमित्रा के नाम का भाग था वो सुरक्षित रहा, और सुमित्रा के नाम के भाग में से केकई ने भी अपना भाग डाल दिया, कौशल्या ने भी अपना भाग डाल दिया। बोलो सबसे ज्यादा किसको मिला प्रसाद? कौशल्या के कई हाथ धरे और दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करे। बोलो नाराजगी में दिया कि प्रसन्नता में दिया? कौशल्या और केकई ने दो भाग करके सुमित्रा को प्रसन्नता पूर्वक दिया, और जैसे ही सुमित्रा को डबल भाग मिले प्रसाद के, तो सुमित्रा भी क्या कहती है, हे परमात्मा,
हे यज्ञ भगवान, अगर यज्ञ के प्रसाद से संतान की प्राप्ति होगी तो बड़ी दीदी को एक भाग मिला और मझली दीदी केकई को एक भाग मिला, लेकिन दोनों ने कृपा करके मुझे डबल भाग दे दिए प्रसाद के। अगर मेरे दो पुत्र पैदा हुए तो आज मैं संकल्प लेती हूँ कि एक पुत्र तो बड़ी दीदी कौशल्या के बेटे की सेवा में लगा दूंगी और दूसरे बेटे को मझली दीदी केकई के बेटे की सेवा में लगा दूंगी। इन दोनों पुत्रों को मैं सेवा में लगा दूंगी। बोलो समन्वय है कि नहीं? अब ऐसे समन्वय युक्त परिवार में भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे? अब भगवान आ रहे हैं। जोग लगन ग्रही बार तिथि, जोग लगन ग्रही बार तिथि और सकल भय अनुकूल और चर अर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मही तारी। सभी लोग बोलो सरकार की जय। श्री राम लला
सरकार की जय। रघुवंश भूषण राम लला सरकार की जय। आज रघुवंश को धन्य करने के लिए निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार बन करके प्रकट हो गया। बोलो हो गया कि नहीं। व्या